और अब बात करते हैं इंदौर की, जहां तेजाजी नगर में एक मकान मालिक और उसके तीन साथियों ने मिलकर किराएदार छात्र के प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाल दिया। इसके पहले चारों ने इसे जमकर पीटा भी था और उसका मोबाइल भी छीन लिया। छात्र की शिकायत पर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मकान मालिक को यह शक था कि छात्र ने हाल ही में जो लैपटॉप लिया है वो उसके 9 साल के बेटे के दिए 50,000 रुपए से खरीदा है, जबकि छात्र को लैपटॉप उसके परिजनों ने दिलवाया था। वहीं तेजाजी नगर पुलिस ने बताया कि 22 वर्षीय पीड़ित छात्र अपनी दो बहनों के साथ किराए के मकान में रहता था। नाजिम के 9 वर्षीय बेटे ने पिछले दिनों 50,000 रुपए खर्च कर दिए थे। पिता के द्वारा पूछे जाने पर उसने घर में किराए से रह रहे छात्र को 3 बार में 50,000 रुपए देने की बात कही और इसी वजह से मकान मालिक शनिवार को बकरा खरीदने के बहाने छात्र को पड़ोसी एवं रिश्तेदार आदिल की एक्टिवा से नायता कुंडला ले गया, जहां एक अज्ञात व्यक्ति से बकरा खरीदने की बात की। इसके साथ ही बकरा छत पर बंधा होना बताकर मकान की छत पर बने कमरे में ले गए। यहां नाजिम, आदिल, सलमान ने और उसके एक साथी ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। छात्र ने पुलिस को बताया कि नाजिम, आदिल, सलमान ने मकान मालिक के बेटे को दिए 50,000 रुपए से लैपटॉप खरीदने की बात को बुलवाने के लिए पिटाई की, जिसके बाद उन्होंने बोतल से प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल भी भर दिया। आरोपियों ने पिटाई करते हुए जान से मारने की धमकी देकर नाजिम के बेटे के लिए पैसों से लैपटॉप खरीदने की बात छात्र से जबरन कबूलवा ली और इस कबूलनामे का वीडियो भी बना लिया, जबकि छात्र को लैपटॉप उसके पिता ने खरीद कर दिया था। पुलिस के मुताबिक पिटाई के बाद मकान मालिक नाजिम और अपने रिश्तेदार आदिल के साथ छात्र को लेकर घर पहुंचा, जहां उसे लगी हुई चोटों की वजह एक्सीडेंट बताई। इसके साथ ही स्टूडेंट को घटना के बारे में किसी को भी बताने पर पिटाई का वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी। छात्र ने परिजनों को पूरी घटना बताई, साथ ही पुलिस थाने में केस दर्ज कराया है। मामले में पुलिस ने मकान मालिक नाजिम, उसके रिश्तेदार आदिल और उसके दोस्त सलमान और एक अन्य को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।